जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपग्रेडेड T90 भीष्म, जिसको हम सुपर भीष्म के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ये टैंक कितना घातक है और कैसे इससे भारतीय थल सेना की ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, इस समय T90 भीष्म टैंक इंडियन आर्मरी के सबसे फियर्ड वेपन्स में गिने जाते हैं और ये 46.5 टन वजनी टैंक बहुत ज़्यादा कैपेबल भी है। इसमें 1000 हार्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर हम गन की बात करें तो इसमें 125 mm की स्मूथ बोर गन को यूज़ किया जाता है, जो कि लगभग हर प्रकार के एमुनिशंस को फायर करने में सक्षम है, जिसमें लेजर गाइडेड मिसाइल्स भी शामिल है, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी एनिमी टारगेट को तबाह करने की कैपेबिलिटी के साथ में आती है। T90 भीष्म को काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल बनाया गया है और ये 360 डिग्री का टर्न करने में सक्षम है, यानी ये तकरीबन 360 डिग्री में स्पिन कर सकता है। और गौर करने वाली बात एक ये है कि जब ये स्पिन कर रहा होता है तो जितने भी क्रू मेंबर अपने स्टेशंस पे होते हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है और उनके पास अपने स्टेशंस का फुल कंट्रोल भी होता है। हालांकि बीते समय के साथ इस टैंक को बहुत सारे मॉडिफिकेशन से गुजारा गया है और इसमें फ्रांस और रशिया दोनों की सहायता ली गई है और बेसिकली इन टैंक को इंडियन कंडीशंस के हिसाब से ढाला भी गया है। अगर हम अपग्रेड्स की बात करें तो T90 भीष्म में फ्रेंच बिल्ट थर्मल साइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इसमें रशियन कोटक 5 एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर भी यूज़ किया जाता है। टरेट की बात करें तो इसके टरेट में जो डोमेस्टिकली डेवलप्ड कंपोजिट आर्मर है, जिसमें बेसिकली सिरेमिक और लेमिनाइट्स का मिक्सचर है, उनको यूज़ किया जाता है और ये T90 भीष्म को काफ़ी ज़्यादा बेटर प्रोटेक्शन प्रदान करता है। वहीं रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि भारत के पास T90 का सबसे एडवांस वेरिएंट है, जो रशिया के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया है। दोस्तों, एक समय था जब युद्ध में टैंक्स को काफ़ी ज़्यादा घातक माना जाता था। हालांकि आज भी ये काफ़ी ज़्यादा घातक है, लेकिन 21st सेंचुरी के वॉरफेयर में हमने बैटल इक्वेशंस को चेंज होते देखा है। और अगर हम टैंक के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आज इनको तबाह करना काफ़ी आसान हो चुका है। अलग अलग सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध में रशिया ने अब तक तकरीबन 1500 टैंक्स का नुकसान उठाया है। यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस बेसिकली विजुअल रेंज से बाहर होकर के भी रशियन टैंक्स को हिट कर पा रही हैं और इसमें वो ड्रोन्स और सैटेलाइट्स का सहारा ले रही हैं। एक बार जैसे ही टारगेट को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो इसे वेरी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी या फिर एंटी टैंक मिसाइल की सहायता से ध्वस्त भी कर दिया जाता है। वहीं अगर हम विजुअल रेंज की बात करें तो रशियन टैंक्स को सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो अमेरिकन जेवलिन या फिर ब्रिटिश एनलॉज मिसाइल से है, जो कि रशियन टैंक के लिए बहुत बड़ी थ्रेट बन के सामने आई है। और रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया जा रहा है कि एंटी टैंक मिसाइल ने रशिया यूक्रेन युद्ध में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उनके निशाने में न सिर्फ रशियन टैंक्स थे बल्कि जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं या फिर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं वो भी ध्वस्त करी गई हैं। हालांकि जब खतरा बढ़ रहा है टैंक्स के लिए तो उनसे निपटने के लिए जो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो भी विकसित की जा रही हैं और इसी में भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। अगर हम द ट्रिब्यून की लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय एक नए एडवांस्ड लेजर थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम पर काम कर रहा है, जो कि आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स के लिए होगा और इसके आने के बाद उनकी जो सर्वाइबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है बैटलफील्ड में। इसके पहले लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर न्यू दिल्ली के द्वारा एक लेजर थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम भी प्रोड्यूस किया गया है, जो कि अर्जुन मेन मेटल टैंक्स में इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यानी ऑलरेडी भारत के द्वारा अर्जुन मेन बैटल टैंक्स के लिए जो लेजर थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम है वो विकसित किया जा चुका है। अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो इसमें बेसिकली सेंसर्स और प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगी, जिसको आर्मर्ड व्हीकल्स जैसे कि टैंक और दूसरे जो मैकेनाइज इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं उनमें रेट्रोफिट किया जाएगा। और जैसे ही एनिमी के द्वारा लेजर्स का इस्तेमाल किया जाएगा डिटेक्शन या फिर टारगेट एक्विजिशन के लिए, तुरंत जो टैंक में उपस्थित क्रू मेंबर्स हैं उनको ये उसकी इन्फॉर्मेशन देंगी और जो काउंटर मेजर्स हैं उनका यूज़ किया जाएगा ताकि इन्हें नुकसान न हो। और ये जो प्रोजेक्ट है ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी IRDE देहरादून के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया जो लेजर वार्निंग रिसीवर है ये थ्रेट्स को तकरीबन 6 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट करने में सक्षम होगा।
डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए लेजर वार्निंग रिसीवर में बेसिकली चार अलग अलग सेंसर्स होंगे जिसको व्हीकल के टैरेट में अलग अलग पोजीशंस पे माउंट किया जाएगा, जिससे ये 360 डिग्री की जो कवरेज है वो प्रदान करेंगे। और जैसे ही थ्रेट सोर्स से कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि एनिमी के द्वारा लेजर रेंज फाइंडर्स का इस्तेमाल किया जाना, लेजर टारगेट डेजिग्नेटर्स का इस्तेमाल किया जाना, या फिर लेजर मिनेशन गाइडिंग बीम्स का इस्तेमाल किया जाना, जैसे भी ऐसा कोई भी थ्रेट यहाँ पर इनको डिटेक्ट होगा, तुरंत इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो टैंक में उपस्थित क्रू मेंबर्स तक पहुंचा दी जाएगी। ये सिस्टम कितना एडवांस है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे इसके सेंसर्स को ऐसी कोई भी एक्टिविटी डिटेक्ट होगी तो टैंक के अंदर जो एक स्क्रीन लगाई गई है उसमें ना सिर्फ ऑडियो बल्कि जो वीडियो वार्निंग है वो भी वहां पर डिस्प्ले होगी, और टैंक में उपस्थित जो कमांडर कंसोल है वहां पर इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, और ये अलग अलग जो थ्रेट्स हैं उनको कैसे काउंटर करना है इसका ऑप्शन भी उनके सामने आएगा, जैसे कि स्मोक ग्रेनेड को फायर करना या फिर तुरंत लोकेशन को चेंज करना, और भी कई चीज़ें हैं जो कि इस प्रकार के थ्रेट से बचने के लिए कमांडर उस समय डिसीजन के तौर पर ले सकता है। टैंक्स की इफेक्टिवनेस को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो मेन बैटल टैंक है इसमें जो इन्हेंस सिचुएशनल अवेयरनेस है वो लेटेस्ट ऑप्टिकल सेंसर्स की सहायता से भी इन्हेंस करी जा सकती है, जिसके अपने बेनिफिट्स हैं। 24 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में, जो कि 1075 करोड़ रुपए का है, जहां पर भारतीय थल सेना के जो T-90 मेन बैटल टैंक्स हैं इसमें जो इस्तेमाल होने वाले कमांडर साइट है इनके रेट्रो मॉडिफिकेशन की बात कही गई है। और ये जो मॉडिफिकेशन है ये भारतीय थल सेना के 957 T-90 भीष्म टैंक में किए जाएंगे। अगर हम मौजूदा समय में भारतीय थल सेना के T-90 भीष्म टैंक के कमांडर साइट की बात करें तो वो इस समय इमेज कन्वर्टर ट्यूब बेस्ड साइट में बेस्ड है, जो कि नाइट व्यूइंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है, लेकिन बहुत जल्दी इनको जो नई साइट्स हैं उनसे इक्विप किया जाएगा। भारतीय सेना के बताए गए रिक्वायरमेंट्स के आधार पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से एडवांस मिडवेव थर्मल इमेज बेस्ड एक साइट को डिजाइन और डेवलप किया है, जो कि मौजूदा आईसी बेस्ड जो साइट है उनको रिप्लेस करेंगी। MKU लिमिटेड जो कि एक प्राइवेट डिफेंस फर्म है इसे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि T-90 भीष्म टैंक के ड्राइवर नाइट साइट की है उसे DRDO के द्वारा प्रदान किया गया है, और DRDO ने ये TOT फरवरी 2022 में इन्हें प्रदान करी है। अब आइए एक नज़र डाल लेते हैं इस नए कमांडर साइट की स्पेसिफिकेशंस में और जानते हैं कि ये कितनी आधुनिक है और इनके आने के बाद टैंक्स की जो कैपेबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है। T-90 भीष्म में इस्तेमाल होने वाले नए कमांडर साइट में एक थर्मल इमेजर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि दिन हो या रात हो टारगेट को 8 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। वहीं इसमें जो लेजर रेंज फाइंडर इस्तेमाल किया गया है वो 5 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी एनिमी टारगेट की रेंज को एक्यूरेटली फाइंड करने में सक्षम होगा। और इस प्रकार T-90 भीष्म के पास वो कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो लंबी दूरी तक जो एनिमी टारगेट्स हैं उनको एंगेज कर सकेगा। बैलिस्टिक सॉफ्टवेयर में किए गए करेक्शंस और इस नए लेजर रेंज फाइंडर की सहायता से जो कमांडर है T-90 भीष्म का ये बेसिकली टारगेट को काफ़ी अच्छे से डिटेक्ट एंगेज और न्यूट्रलाइज भी कर सकेगा, और इसमें जो इसकी एक्यूरेसी होगी वो काफ़ी शानदार होने वाली है। इस सिस्टम में एक एडवांस अनकूल थर्मल इमेजर होगा और एक डे कैमरा होगा जो कि फॉर्म फिट कॉन्फ़िगरेशन में लो लाइट लेवल इमेजिंग कैपेबिलिटी के साथ में आएगा। वहीं इसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज फ्यूजन जो कि थर्मल इमेजर और डे कैमरा की होगी उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, और माना जा रहा है कि ये जो अपग्रेड है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे T-90 भीष्म टैंक की जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है खासकर नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगी, और इस नए साइट के आने के बाद इनकी जो ओवरऑल कैपेबिलिटी है उसमें भी बहुत बड़ा हमें फ़र्क देखने को मिलने वाला है। और अच्छी बात यह है कि जितने भी मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं जितने भी बदलाव किए जा रहे हैं ये सब स्वदेशी तौर पर किए जा रहे हैं, यानी सभी सिस्टम्स का निर्माण भारत में ही किया गया है, और ये सबसे अच्छी बात यहाँ पर मानी जा रही है। कमांडर साइट के अलावा अगर हम बात करें तो T-90 भीष्म की जो सिमुलेटेड टेस्ट एंड इंट्रोगेटर किट है उसकी टेक्नोलॉजी भी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री को ट्रांसफ़र किया गया है, जो कि इंडिया ऑप्टो लिमिटेड देहरादून की एक यूनिट है, और ये जो किट है इसका मुख्य तौर पर जो इस्तेमाल होगा ये T-90 भीष्म टैंक में इस्तेमाल किए जाने वाले जो गाइडेड वेपन सिस्टम है उनकी रेडीनेस को चेक करने के लिए होगा, और इसे IRDE जो कि DRDO की एक लैब है उसके द्वारा विकसित किया गया है, और ये इंडियन आर्मी के PSQR पर आधारित है।
तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी T90 भीष्म के अपग्रेड्स के बारे में। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।